भाइयों बहनों, हमारे देश में आजादी के इतने साल हुए, 18,000 गांव ऐसे निकले, जब मैंने प्रधानमंत्री पद का दायित्व लिया, सब डिपार्टमेंट से पूछ रहा था, बताओ भाई क्या काम चल रहा है, कैसे चल रहा है, कहां पहुंचे हैं, क्या हो रहा है। जब मुझे बताया गया कि साहब आजादी के 70 साल हुए, 18,000 गांव आज भी 18वीं शताब्दी में गुजारा कर रहे हैं, बिजली का तार क्या होता है, बिजली का खंभा क्या होता है, बिजली क्या होती है, उस गांव को कभी सौभाग्य नहीं मिला है। हमने बीड़ा उठाया, 1,000 दिन में इन 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाएंगे। मेरे अफसर सारे मेरे सामने देखने लगे, बोले साहब जो काम 70 साल में नहीं हुआ वो 1,000 दिन में आप पूरा करने के लिए कह रहे हो। मैंने कहा भाई पहले जो हुआ सो हुआ, अब लोगों का मिजाज भी बदला है, सरकार भी बदली है, देश भी बदलेगा, और इसलिए 1,000 दिन में 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाने का बीड़ा उठाया। भाइयों बहनों, अभी 1,000 दिन होने की तो देर है, करीब करीब 12,000 गांवों में बिजली पहुंच चुकी है, खंभा लग गया, तार पहुंच गया, बिजली आना शुरू हो गया, और बाकी जो 6,000 गांव है उसमें भी तेज गति से काम चल रहा है। उसमें मेरे उत्तराखंड के गांव भी थे, वहां भी बिजली पहुंचाने का काम हमने तेज गति से आगे बढ़ाया। आप मुझे बताइए भाइयों, उत्तराखंड के दूर सुदूर पहाड़ियों में जिस गांव में कभी बिजली का खंभा नहीं लगा था, अगर वहां बिजली पहुंचती है, क्या ये अमीरों के लिए हो रहा है क्या? अरे पूरी ताकत से बताइए, क्या ये अमीरों के लिए हो रहा है क्या? क्या ये अमीरों के लिए हो रहा है क्या? ये गरीबों का हक पूरा करने के लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये गरीबों के लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है?